हाय, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम पर्टिकुलरली यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की टाइम की बचत करते हैं। जो सबसे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माना जाता है, जिसके आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन आर्टिकल्स को हम डिटेल में यहाँ स्टडी करते हैं। आपको इसके बाद पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात का प्रूफ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, इस बार का भी क्वेश्चन पेपर देखें आप, चाहे वो मेंस का हो या प्री का हो, आपको 100% ये चीज़ें मिलेंगी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातें नहीं करते, ऐसी कोई न्यूज आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे जो सुनने और समझने में इंटरेस्टेड लगे बट जिसका अपने सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं हो। स्ट्रिक्टली हम सब सिलेबस से एडहेयर्ड होते हैं, सिलेबस से इधर उधर नहीं जाएंगे। आज का पहला आर्टिकल, दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्प्रेइंग बायोडिकम्पोजर इन फार्म्स। बायोडिकम्पोजर एक टर्म यूज हुआ है, पिछले साल भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बायोडिकम्पोजर यूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि बायोडिकम्पोजर होता क्या है। बायोडिकम्पोजर एक्चुअली ये लिक्विड्स फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इन्हें स्प्रे करने से ऐसे डिकेइंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, वो हानिकारक नहीं रह जाते हैं जो खेतों में या जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे खेत आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जो क्रॉप का कुछ पोर्शन होता है लोअर, वो खेत में छोड़ दिया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, पर्टिकुलरली NCR हरियाणा और पंजाब के रीजन में, और वो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इस नए टेक्निक का, जिसमें फंगी जैसे ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, ये हर्बीवोरस होते हैं, प्रीडेटर्स भी यहाँ कहे जाएंगे। एक बार डिकम्पोजर्स को डिटेल में देखिए, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे कैरी आउट डिकम्पोजिशन ए प्रोसेस पॉसिबली बाई वनली क्रिएटिंग किंगडम सच एज फंगई। यहाँ वनली शब्द यूज हुआ है। लाइक हर्बीवोर्स एंड प्रीडेटर्स, डिकम्पोजर्स आर हेटरोट्रॉफिक, मीनिंग दैट दे यूज ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स टू गेट देयर एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विद द टर्म डिकम्पोजर एंड डिट्रिटवोर आर ऑफन इंटरचेंजेबली यूज। ये एक जो टर्म है डिट्रिटवोर्स, जिसका मतलब होता है टर्शियरी लेवल के डिकम्पोजर, ये अक्सर इंटरचेंज किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ जहाँ डिट्राइट वोर्स होते हैं, वो इंजेस्ट कर जाते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं डेड मैटर को इंटरनली, डिकम्पोजर्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ये दोनों में फर्क होता है। मस्ट अडेयर, डिकम्पोजर और डिट्रीवोर्स दोनों एक ही चीज नहीं है। डिट्रीवोर्स इंजेस्ट करता है डायरेक्टली डेड मटेरियल को, जबकि डिकम्पोजर उसे एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को निकालता है उसमें से केवल, और वो एक्सटर्नल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से। दस इंटर इनवर्टिब्रेट्स सच एज अर्थवॉर्म, वुडिस एंड वुड लाइस एंड सी ककम्बर्स आर टेक्निकली डिट्रीवोर्स नॉट डिकम्पोजर्स। अर्थवॉर्म डिकम्पोजर नहीं कहा जाएगा, वुड लाइस डिकम्पोजर नहीं कहा जाएगा, सी ककम्बर डिकम्पोजर नहीं है। सिंस दे मस्ट इंजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब देम एक्सटर्नली। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है अगर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो। प्राइमरी डिकम्पोजर ऑफ लीटर इन मेनी इकोसिस्टम इज फंगई, अनलाइक बैक्टीरिया विच आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया डिकम्पोजर नहीं होता है, फंगई प्राइमरी डिकम्पोजर है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ कि डिकम्पोजर और डिट्रिटवोर्स दो अलग अलग चीजें हैं, डिकम्पोजर को एक्सटर्नल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जबकि डिट्रिटवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इंजेस्ट कर जाते हैं डेड मटेरियल को, फंगई इकोसिस्टम का प्राइमरी डिकम्पोजर है। वापस लौटते हैं न्यूज आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडस्ट्री 6 क्लैरिटी और स्पेस पॉलिसी। एक्चुअली यहाँ इंडस्ट्री से मतलब है जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से क्लैरिटी की डिमांड की है स्पेस पॉलिसी पर। आपको याद होगा इसी साल इसरो, जो कि 1969 में लॉन्च किया गया था, उसने एक नया इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है और वो इंस्टीट्यूशन इन स्पेस के नाम से जाना जाता है, आपको अगर याद हो तो। एक बार देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इसरो पर। फर्स्ट ऑफ ऑल
इसरो इज द इंडियन स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग, सबको पता है। पब्लिक एजेंसी वॉज फॉर्म इन 1969 और इंडिया का ओनली मेजर प्लेयर है इस सेक्टर में। इट लॉन्च फर्स्ट सेटेलाइट नेम आर्यभट्ट, ये सारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया आर्यभट्ट, इंडिया का पहला सेटेलाइट साइकिल पर ले जाया गया था। एंड सिंस देन हैज डेवलप इट्स ऑन फ्लीट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। सबसे जो लेटेस्ट अचीवमेंट है इसरो का वो है ऑर्बिटर अराउंड मार्स एंड असिस्टेड इन कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। इन 2019 द एजेंसी ट्राइड टू लैंड रोवर ऑन द मून बट मिशन पार्शियली फेल्ड, कंप्लीटली फेल नहीं हुआ है। व्हेन द लैंडर वॉज अनेबल टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग। एट प्रेजेंट द एजेंसी इज प्लानिंग ए मैंड मिशन गगनयान, बहुत चर्चा में है गगनयान, जिसमें 3 से 4 लोगों को भेजा जाना है। रसिया में ट्रेनिंग चल रही है इनकी टू द मून इन दिसंबर 2021। हालांकि इस डेट को और आगे बढ़ा दिया गया है। आप लोग करेंटली गगनयान को फिर से एक बार गूगल में सर्च करके और अपडेट हो लें, ये दिसंबर 2021 का डेट फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसरो हैज प्लेस्ड 100 ऑफ सैटेलाइट्स, नो डाउट। कॉमर्शियली टोटल ऑफ 328 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 33 कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड। आप सोच सकते हैं पोलर व्हीकल सैटेलाइट ऑन ये किया गया है पोलर व्हीकल PSLV से। रेवेन्यू अर्न थ्रू दिस लॉन्च इज इतना मिलियन, ये अपने काम का चीज़ नहीं है, लेकिन ये दो टाइप का जो व्हीकल है PSLV और GSLV, ये बहुत काम का चीज़ है। एंट्रिक्स इसका कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन है एंट्रिक्स किसका, इसरो का, जो कि बाहर से बिजनेस लाने का काम करता है अदर कंट्री से। इसमें जो और चीज़ें काम की है वो चलते हैं वापस न्यूज आर्टिकल पर, क्या डिमांड किया गया है। इंडस्ट्रीज टोल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन मंडे दैट फॉर द स्पेस इंडस्ट्री टू ग्रो द गवर्नमेंट शुड हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। SME की बात की जा रही है, SME तो वैसे भी हमारे कंट्री की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, बैकबोन कहा जाता है इसको। इसमें कुछ खास नहीं है, स्पेस पॉलिसी अभी लॉन्च किया है इंडिया ने 2021 में ही लॉन्च किया है, तो उसको आप एक बार देख लें या सिंपल याद रखें कि स्पेस पॉलिसी 2021 में लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। इंडिया चाइना का कमांडर टॉक फेल हो गया है। एक्चुअली इंडिया चाइना जो बार बार LAC की बात की जाती है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, LAC 3 अलग अलग जगह पर, इंडिया के 3 अलग अलग पार्ट में LAC एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रा किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है लद्दाख का, लद्दाख जो हाल ही में यूनियन टेरेटरी बना है। लद्दाख में जो LAC है वो अक्सर आप सुनते होंगे, एक लेक है पेंगोंगसो, एक पॉइंट है काराकोरम, ये सारे के सारे कंटेंशन पॉइंट है, यहीं पे सारी लड़ाइयां होती है। हाल फिलहाल में इसमें एक और नाम जुड़ गया है गालवान वैली, जो कि गालवान रिवर के नाम पर है। ये वही गालवान वैली है जहां से आप माउंट सरोवर की तरफ जाते हैं, माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं। दूसरा जो LAC का पॉइंट है, LAC जहां दूसरी जगह ड्रॉ किया गया है, वो है UK हिमाचल और चाइना का जो तिब्बत पार्ट है, यहां पे कोई लड़ाई नहीं होती, यहां पे बहुत कम लड़ाइयां होती है, ये न्यूज में नहीं रहता, या तो लद्दाख वाला पोर्शन न्यूज में रहता है। या फिर जो LAC का तीसरा पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर एक देशपांग प्लेन पड़ता है, देशपांग जेसपांग इस नाम के दो प्लेन पड़ते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो जब कभी आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पढ़ें, जो कि 1962 से माना जाता है ड्रॉ किया हुआ, 1962 में ड्रॉ किया गया था, वैसे इस टर्म का यूज सबसे पहले 1959 में किया गया था चाइनीज प्रीमियर जो जोन इलाओ थे उनके द्वारा, बट 1962 के बाद ही ऑफिशियली यूज होने लगा LAC आफ्टर इंडिया चाइना कंफ्लिक्ट। एक और है इसमें मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन ये भी अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया और चाइना के बीच में। मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं फॉलो करता है, नहीं मानता है, उसका कहना है कि मैकमोहन लाइन जब शिमला एग्रीमेंट के तहत 1915 में ड्रॉ किया गया था तो मैं नहीं था उसमें, तिब्बत था, और तिब्बत चूंकि मेरे अंडर है, तिब्बत ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, तो तिब्बत ने जो कुछ भी एग्रीमेंट किया है मैं नहीं मान सकता। तो इन दो चीजों पर फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे। एक मैकमोहन लाइन जो 1950 में बहुत पुरानी लाइन है, मैकमोहन उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, उन्होंने ड्रॉ करवाया था, बट चाइना उसकी पार्टी नहीं है, चाइना आज भी इस लाइन को नहीं मानता है।
LAC 1962 के बाद ड्रॉ किया गया है, हालांकि यूज में 1959 से रहा है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया के तीन डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में ये ड्रॉ किया हुआ है, लद्दाख, हिमाचल उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल बहुत शांत रहता है, यहाँ पे नहीं के बराबर लड़ाइयाँ होती है, बट अरुणाचल और लद्दाख का पोर्शन जो है LAC का अक्सर पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट बनता है। J&K में इनकाउंटर्स हुए हैं मिलिटेंट के साथ। J&K का मैप इम्पॉर्टेंट है, J&K की बात जब भी आती है तो हिमालय का जो रेंज है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऑर्डर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जस्कर और लद्दाख का ऑर्डर क्या है, अगर हम इंडिया से चाइना की तरफ जा रहे हैं तो पहले कौन मिलेगा, तो इसका बहुत ही सिंपल सा है एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। PDS एक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो आप किसी को कह रहे हैं कि PDS जा लेके आ, PDS से क्या होता है कि आप अनाज वगैरह लेकर के आते हैं, है ना। तो जा से हो गया जस्कर, ला से हो गया लद्दाख, के से हो गया काराकोरम। अगर आप इंडिया से नेपाल चाइना की तरफ जाएंगे तो पहले आपको जस्कर मिलेगा, फिर आपको लद्दाख मिलेगा, फिर आपको काराकोरम मिलेगा, ठीक है, ये ऑर्डर है इसका। PDS का भी है, PDS में S शिवालिक के लिए है, D धौलाधार के लिए है, और P जो सबसे पहले पड़ता है हिमालय का पार्ट उसके लिए है। तो आप खुद भी इस तरह का ट्रिक बना सकते हैं, जब कभी J&K की बात आती है हमें हिमालय नहीं भूलना चाहिए, हिमालय का ज्योग्राफिकल फीचर नहीं भूलना चाहिए, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की, इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिल गया है, और ये रिसर्च ऑन वेज और जॉब के लिए मिला है डेबिट कार्ड को, ये डिटेल में हम बाद के पेज में पढ़ेंगे, वहां मेंशन है ये। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। कल ये बताया था हमने आपको, देश के मेंटर दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है स्कूल चिल्ड्रन के लिए कैरियर चॉइस डिसाइड करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्राइम प्रेसिडेंट की मर्जी से होता है, अपॉइंट इसको ओथ दिलवाते हैं, इनको ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के उस जज को ओथ दिलवाएंगे जो हाई कोर्ट में आ रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाई करता है इन सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक टर्म यूज हुआ है NTPC, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने में नंबर वन पर है, 1980 के डिकेड में यानी 1973 के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक्चुअली NTPC कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर काम करता है ये, इनफैक्ट 1856 NTPC कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। एक आर्टिकल बहुत ही शानदार सा दिख रहा है, कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बिल्ट इन गुरुग्राम। वाटर कंजर्वेशन की बात जब आती है न्यूज आर्टिकल में तो आपको पूरे डिटेल में जाना चाहिए, बहुत ही एवर ग्रीन टॉपिक है ये। एवर ग्रीन इसलिए वाटर कंजर्वेशन ना केवल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप का प्लान है, बट ये रियलिटी है। तो एक नजर डालते हैं वाटर कंजर्वेशन मेथड पे, इंडिया में क्या क्या कौन कौन से मेथड हैं, एंशिएंट मेथड ये पूछा जाता है कि नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये नाम कहाँ यूज होता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। कुछ नाम देखते हैं जो हम अननोन हैं, आप अननोन हैं अब तक। द आपातानी ट्राइब ऑफ जीरो वैली पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। टिल डेट प्रैक्टिस द वेट राइस कम फिश कल्टिवेशन, वो जहाँ पे पैडी कल्टीवेशन करते हैं वहीं पे फिश प्रोडक्शन भी करते हैं। जीरो वैली इज ए प्लेटो वेयर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड एंड इरीगेशन इज फ्रॉम ए सिंगल स्मॉल रिवर एंड सम स्प्रिंग वेल्स। इरीगेशन ऑफ पैडी फील्ड इन इंटायर वैली हैपेंस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल एंड चैनल्स। ये सारा वाटर कंजर्वेशन का प्रोसेस है उनका, किनका, अपातानी ट्राइब का। कहाँ के रहने वाले हैं ये, अरुणाचल प्रदेश का, कौन सी जगह पे, जीरो वैली पड़ता है वहाँ पे। जीरो वैली में अपातानी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनका वाटर कंजर्वेशन बहुत ही यूनिक है। ये इनका वाटर
कंजर्वेशन पैडी फील्ड के साथ साथ चलता है, पैडी फील्ड और फिश प्रोडक्शन के साथ साथ चलता है। नेक्स्ट है बंबू ड्रिप इरिगेशन, बहुत बार ये आप पूछा गया है। बंबू ड्रिप इरिगेशन यूपीएससी का हॉट टॉपिक है। मेघालय का मेथड है ये, मेघालय के पीपल इसे यूज करते हैं, जहां पे वो बंबू को यूज करते हैं एज पाइप, पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, और उससे पानी बूंद बूंद करके टपकते रहता है, जिससे इरिगेशन वो आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस इन मेघालय, इसका प्राइमरी पर्पस है इरिगेट प्लांटेशन। ये 200 साल पुराना सिस्टम है, जिसमें 18 से 20 लीटर ऑफ वाटर एंटरिंग द बंबू पाइप सिस्टम एवरी मिनट टू इरिगेट द फील्ड डाउन हिल। ए ब्लीन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इट यूजेज बंबू ऑफ वेरियस साइज एंड रिड्यूस द आउटपुट टू 20-80 ड्रॉप पर मिनट, विच इज स्प्लेंडेड फॉर विटल लीफ एंड ब्लैक पेपर क्रॉप्स। ये क्रॉप स्पेसिफिक के लिए तो सही है ही, ये बहुत अच्छा मेथड है वाटर को कंजर्व करने का, और एक एग्जाम्पल है बाकी के कंट्री के पार्ट के लिए। इन नागालैंड जैवो सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज प्रैक्टिस सिंस सेंचुरी। एक सिस्टम है जिसका नाम है जैवो, ये वाटर कंजर्वेशन मेथड है जैवो, और ये नागालैंड के लोग इस कंजर्वेशन मेथड को फॉलो करते हैं। जैवो विच मीन्स इम्पाउंडिंग वाटर इज यूनिक कम्बिनेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन विद एनिमल केयर। जिस तरीके से आपातानी फिश प्रोडक्शन पैडी प्रोडक्शन के साथ करते हैं, उसी तरीके से नागालैंड के जो जैवो जनजाति हैं, जैवो ट्राइब हैं, ये जैवो सिस्टम नागालैंड में जो जैवो सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसमें वाटर कंजर्वेशन के साथ एनिमल केयर को भी फॉलो किया जाता है। कुछ और नाम है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ड्राइएस्ट रीजन है, एक ड्राइएस्ट रीजन में से एक है इंडिया का, वाटर स्कार्सिटी अपनी लिमिट पर है, वहां पर 1980 से विलेजर ने एक मेथड लाया है जिसका नाम है जोहार। आपको मैट्रिक्स मैच में दे दिया जाएगा जोहार, JOHAD, जोहार बोलते हैं इसको। जोहार एक क्रिसेंट शेप का स्मॉल चेक डैम होता है, जो अर्थ और रॉक से मिलकर के बना होता है, और उसमें बारिश का पानी कंजर्व किया जाता है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर अमाउंट बढ़ जाता है। एक और मेथड है तमिलनाडु में, उसे कहा जाता है एरी, ERI, एरी का मतलब होता है टैंक। ये तमिलनाडु में यूज किया जाता है वाटर इरिगेशन के लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ वाटर इरिगेशन सिस्टम है अपने कंट्री में। जैवो नागालैंड का सिस्टम है, जोहार राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, एरी तमिलनाडु का सिस्टम है, सिमिलरली बंबू ड्रिप मेघालय का सिस्टम है। वापस लौटते हैं न्यूज आर्टिकल पर। न्यूज आर्टिकल में कहा गया है कि गुरुग्राम में 1900 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, पॉन्ड टाइप का या इस टाइप की चीजें जो वाटर को कंजर्व कर सके, बनाई गई है, और ये किया गया है कैच द रेन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री है, न्यूली का मतलब इसी साल नहीं, बट ये भी नहीं कि 10 साल पुराना है, नया मिनिस्ट्री बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो अपना इंतजार कर रहा है वो है गोदावरी रिवर से रिलेटेड। न्यूज कह रहा है कि गोदावरी रिवर बोर्ड मीट्स टू कलेक्ट इनटू ऑन प्रोजेक्ट्स। गोदावरी रिवर है कहाँ? गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर 3-4 स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र से शुरू होती है ये, और साउथ इंडिया की ये सबसे लंबी रिवर है। एक नजर डालते हैं गोदावरी पर, गोदावरी है कहां, कहां से फ्लो करती है ये, इन सारी चीजों पर एक नजर डालते हैं। और ये एनटीपीसी में एक इंप्रूवमेंट है, मैं वहां 1856 में कराया था, ये एक्चुअली 1956 का है, और 1956 का है कंपनी एक्ट, और 1975 में ये एस्टेब्लिश किया गया था एनटीपीसी, 73 नहीं 75, और ये 1856 नहीं 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर्ड है एनटीपीसी। हम बात करेंगे गोदावरी की। ये साइड में आप देख रहे हैं गोदावरी रिवर, एक डैम बनाया गया है, और उसके साथ ये आपको दिख रहा होगा सीन में। गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा एंड थर्ड लार्जेस्ट। पहले तो ये कि ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर क्या है। लॉन्गेस्ट का मतलब लेंथ से है, तो गंगा के बाद अगर कोई सबसे लंबी नदी है तो वो है गोदावरी, और दैट्स वाई उसे साउथ इंडिया का गंगा कहा जाता है। लेकिन लार्जेस्ट में थर्ड पर आता है। आप बता सकते हैं कि फर्स्ट में लार्जेस्ट कौन है?
एक्चुअली फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र है वॉल्यूम के हिसाब से, गंगा नंबर टू पे आती है, लंबाई में गंगा भले ही नंबर वन पे है, क्योंकि आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र का आधा से ज्यादा पार्ट तिब्बत और चाइना के पार्ट में से फ्लो होकर के आती है। वो ड्रेन्स अबाउट 10% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। पहला तो ये कि गोदावरी का पोजीशन क्या है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट। अब सोर्स क्या है इसका, सोर्स है त्रिंबकेश्वर नासिक में महाराष्ट्र में, और ये बहुत ही एक कहें कि होली प्लेस है, बहुत ही धार्मिक जगह है ये त्रिंबकेश्वर। इट फ्लोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर ड्रेनिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये पांच स्टेट से फ्लो करती है। द रिवर अल्टीमेटली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज मेजरिंग अप टू इतना किलोमीटर स्क्वायर। इट्स फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपके लिए सोर्स क्या है, लेंथ क्या है, कितने स्टेट से फ्लो करती है, ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। द रिवर हैज बीन रिवर्ड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स फॉर मेनी मिलेनिया एंड कंटिन्यू टू हार्बर एंड नॉरिश द रिच कल्चर हेरिटेज इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। फर्दर आप पता कर सकते हैं कि इस रिवर का कौन से जो अपना ओल्ड स्क्रिप्चर है, हिंदू स्क्रिप्चर है, या जो ग्रंथ वगैरह है, उपनिषद वगैरह है, कहाँ मेंशन है गोदावरी का नाम। ऑब्वियसली ये पीसीएस वगैरह बहुत लाइक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बात करेंगे हम अगले न्यूज आर्टिकल की गोदावरी के बाद। यहाँ पर क्या है, गोदावरी की मीटिंग हुई है रिवर मैनेजमेंट से, गोदावरी का जो एक कहें गोदावरी रिवर ट्रिब्यूनल या गोदावरी रिवर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो कुछ स्टेट मानने को तैयार नहीं है, जो ये तीन चार स्टेट हैं जिनके बीच में आया है, लाइक कावेरी का भी नहीं मानने को तैयार है ये कभी, तो ये सब चलता रहता है, गोदावरी, कावेरी, इवन ब्यास, ये सारे रिवर के कंटेंशंस चलते रहते हैं पैरेलल। जब कभी इन रिवर्स का नाम आए, इनके सोर्स, इनके ट्रिब्यूटरीज आप जरूर याद रखें, यही सब चीजें पूछी जाती है। एडिटोरियल में एक टर्म यूज हुआ है पेगासस, इसी के बारे में चीजें ली गई है। पेगासस एक्चुअली एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर है जो आपके मोबाइल में घुस करके और चीजों को चुराता है, आपके मैसेज पढ़ता है। काफी हंगामा हुआ था लास्ट टाइम, एक नजर डालते हैं पेगासस पे। पेगासस इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली साइबर फर्म एनएसओ ग्रुप। क्वेश्चन बनने में कोई डाउट नहीं है, बन सकता है कि किस ग्रुप का है ये, ये एनएसओ ग्रुप का है, और एनएसओ ग्रुप ओरिजिनली अमेरिका का हुआ करता था, बाद में उसने बेच दिया इजराइल बेस्ड फर्म को। दैट कैन बी कन्वर्टली इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन्स रनिंग मोस्ट वर्जन ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड। ये लेटेस्ट जो वर्जन एंड्रॉयड का 14.6 उस पर भी, iOS 14.6 उस पर भी किया जा सकता है, लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड है उस पर भी किया जा सकता है। प्रोजेक्ट पेगासस रिविलेशन सजेस्ट दैट द करंट पेगासस सॉफ्टवेयर कैन एक्सप्लॉइट ऑल रिसेंट iOS वर्जन अप टू इतना। 2016 में ये सबसे पहले लीक हुआ था, उसमें ये सामने आया था कि ये टेक्स्ट रीड कर सकता है, ये कॉल ट्रैक कर सकता है कि आप किसको कर रहे हैं, कॉल करेगा नहीं लेकिन कॉल ट्रैक कर सकता है, पासवर्ड कलेक्ट कर सकता है, सॉरी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आपके माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन आपके ऐप से चुरा सकता है, और इस ये सारी चीजें अभी 2021 में हाल फिलहाल में इंडिया के साथ भी हुआ है, इंडियन पीपल के साथ, इनफैक्ट इंडियन डिग्नेटरीज कुछ बड़े लोगों के साथ हुआ है, बड़े इन द सेंस पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रीज, तो ये न्यूज में काफी रहा है, काफी गर्मा गर्मी हुई है। अब एक नजर डालते हैं कि इंडिया में पेगासस का करेंट सिचुएशन क्या है, इंडिया में पेगासस करेंटली कहां तक पहुंचा है। यूज बाय इंडिया इन लेट 2019 फेसबुक इनिशिएटेड ए सूट अगेंस्ट एनएसओ क्लेमिंग दैट पेगासस हैड बीन यूज्ड टू इंटरसेप्ट द व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ एक्टिविस्ट। व्हाट्सएप जो कि फेसबुक का ही एक पार्ट है, फेसबुक की कंपनी है वो, फेसबुक ने सबसे पहले इसके अगेंस्ट एक सूट डाला था, ये कब डाला था, 2019 में। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली कंपनी कौन थी इंडिया में जिसने पेगासस के अगेंस्ट सूट दाखिल किया है, वो फेसबुक है। लीडिंग टू एक्यूजेशन दैट इंडियन गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये एक्यूजेशन लगाया गया था कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने ही करवाया है, लोगों के पासवर्ड हैक करवाए, लोगों के मोबाइल फोन में क्या मैसेज आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सारी चीजें हैक करवाई गई है।
फोन नंबर ऑफ इंडियन मिनिस्टर, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक अब पेगासस। फोन नंबर ऑफ इंडियन मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर्स, एक सिलेक्शन कमिश्नर हैं, जर्नलिस्ट वेयर एलिजली फाउंड ऑन द डाटाबेस ऑफ एनएसओ, हैकिंग टारगेट्स बाय प्रोजेक्ट पेगासस इन 2021। प्रोजेक्ट पेगासस एक सीक्रेट, एक टाइप का चोरी करने का, हैक करने का इनिशिएटिव चलाया गया था, जिसमें ये सारे लोगों के नंबर शामिल थे, इन ये टारगेट पर थे, मिनिस्टर्स जो कि गवर्नमेंट से सहमत नहीं होते हैं, अपोजिशन लीडर, एक सिलेक्शन कमिश्नर, जर्नलिस्ट जो काफी ज्यादा रिप्यूटेड हैं। इंडिपेंडेंट डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस कंडक्टेड ऑन 10 इंडियन फोन्स हुज नंबर्स वेयर प्रेजेंट इन द डाटा। जब ये जो पर्सन थे इनमें से 10 के फोन को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पुट किया गया, लेबोरेटरी में रखा गया, चेक किया गया, तो देखिए क्या मिला। द डाटा सूट साइंस ऑफ आइदर और एन अटेम्प्टेड और सक्सेसफुल पेगासस हैक। द रिजल्ट ऑफ द फॉरेंसिक एनालिसिस थ्री ऑफ सो सिक्वेंशियल कोरिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डेट ए फोन नंबर इज एंटर्ड इन द लिस्ट एंड बिगनिंग ऑफ सर्विलांस। द गैप यूजुअली रेंज बिटवीन ए फ्यू मिनट्स एंड ए कपल ऑफ आवर्स। आफ्टर हैकिंग कुछ मिनट और कुछ घंटों के इंटरवल में ही सारा काम तमाम हो गया था इनका। 11 फोन नंबर एसोसिएटेड विद ए फीमेल एम्प्लॉई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, याद कीजिए रंजन गोगोई, जिन्हें की राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। इन पर एक राजस्थान की महिला ने आरोप लगाया था एक्सप्लॉयटेशन का, सेक्सुअल हरासमेंट का, उस महिला का नंबर भी इसमें शामिल था। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा गेम है ये प्रोजेक्ट पेगासस, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। रिकॉर्ड्स ऑल्सो इंडिकेट दैट फोन नंबर ऑफ सम ऑफ द की पोलिटिकल प्लेयर्स इन कर्नाटका। कर्नाटका विधानसभा का चुनाव होने के बाद हमेशा वहां उथल पुथल रहा है, कभी ये गवर्नमेंट कभी वो गवर्नमेंट, हॉर्स ट्रेडिंग खूब हुए है वहां पे। वहां के लीडर्स का नंबर इसमें शामिल किया गया था प्रोजेक्ट पेगासस में। इट वॉज रिपोर्टेड दैट इंडियन गवर्नमेंट यूज पेगासस टू स्पाई ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये तो अच्छी बात है, इमरान खान को हमने नहीं छोड़ा, इमरान खान के फोन नंबर को हमने हैक कर लिया, हमने उसके नंबर को भी प्रोजेक्ट पेगासस में डाल दिया था। बट ये जो अपने कंट्री में हो रहा है पर्सनल इनिमिटी के लिए, ये सही चीज नहीं थी। प्रोजेक्ट पेगासस क्वेश्चन जरूर बनेगा, काफी हंगामा रहा है और इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। 2019 में फेसबुक ने सबसे पहले सूट दाखिल किया था पेगासस के लिए, पेगासस के अगेंस्ट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आया है राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ, कुछ लोगों को अगर लगता है कि राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है तो आप गलत हैं। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू हेल्थ एंड राइट टू हेल्थ हेल्थ एक्सेसरीज या हेल्थ से रिलेटेड चीजों को आप यूज कर सकें, ऐसा कोई राइट फंडामेंटल नहीं है। हाँ, बात चल रही है अभी, अभी बातें हुई हैं इस पे कि इसको जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए। कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है। अब सवाल है कि तो लेटेस्ट क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राइट टू हेल्थ किस आर्टिकल में आएगा तो 21 करें कि ना करें, उसके लिए आपको दिखाते हैं कोर्ट का जजमेंट। और कोर्ट का जजमेंट डिक्री होता है, आप बिल्कुल उसे मान के चलेंगे, गवर्नमेंट माने या ना माने, गवर्नमेंट लाए या ना लाए। बात कर रहे हैं हम राइट टू हेल्थ की। एक लेडी थी, नाम था उनका गुलाबो, ये गुलाबो सीताबो की बात नहीं हो रही है। गुलाबो ले हर हेड इन माई लैप प्लीडिंग, भैया जी मुझे बचा लो। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि एक लेडी किसी को बोल रही है कि भैया जी मुझे बचा लो, एंड सून आफ्टर टूक हर लास्ट ब्रीथ। ठीक है, ये है ग्रेविटी ऑफ मैटर। जस्ट टू डेज अगो आई हैड फ्रीड हर एंड हर फैमिली फ्रॉम इंटरजेनरेशनल बॉन्डेज एट ए ब्रिक क्लीन इन महेंद्रगढ़ हरियाणा। सी डाइड ऑफ सीवर ट्यूबरक्लोसिस एंड मैलन्यूट्रिशन, ओवरकम बाई एंगर एंड ग्रिप्ड आफ्टर आई हैड क्रीमेटेड गुलाबोज बॉडी। आई वॉक्ड अप द रोड टिल आई रीच द चैम्बर ऑफ द अर्थ बाई सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस पी एन भगवती। पी एन भगवती, इन पे क्वेश्चंस बने भी हैं और काफी लिबरल और काफी कहा जाए स्ट्रॉन्ग जस्टिस माने जाते थे पी एन भगवती। तो जो इस आर्टिकल के राइटर हैं उनका कहना है कि जब ये सारी चीजें हुई तो मैं सीधा पी एन भगवती के चैम्बर में पहुंचा। टू ईयर्स आफ्टर दिस मीटिंग द लैंडमार्क जुडिशियल ऑर्डर ऑफ 1984 में न केवल इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, कुछ अच्छे जजमेंट भी आए थे। इन बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश दैट विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स
द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ इज इंक्लूसिव ऑफ द राइट टू हेल्थ। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू वर्कर्स, केवल काम करने वालों के लिए राइट टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन बाकी सब के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। जजमेंट को आप गौर से पढ़िए, बाद में आप इसे रिसर्च करके एक बार पढ़ लीजिए अगर नहीं हो सकता है तो। 1984 का एक जजमेंट है, बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एट दैट टाइम आई सर्व्ड एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ बंधु मुक्ति मोर्चा। जस्टिस भगवती वाज मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ गुलाबो एंड मेनी अदर्स इन सिचुएशन सिमिलर टू स्लेवरी एंड ब्राउट टू लाइट द लिमिटेशन ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम टू सर्व इट्स पुअरेस्ट। और इसके बाद ही ये चर्चा होने लगा था कि खर्च गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए। ये भी आपको दिखाते हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अभी। द पैंडमिक, अभी कोविड के टाइम पे राइट टू हेल्थ पे बहुत सारी बातें उठ रही है। पैंडमिक हैज एक्सपोज्ड द डीप वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम विच मच ऑफ दिस इज ब्लेम्ड ऑन इंडियाज लो एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ 1.29% ऑफ द जीडीपी। 2019-20 का ये डाटा है, जीडीपी का केवल 1.29% गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ पर, जबकि आर्म्स एंड जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड डिफेंस पे बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, 1.29 के कंपैरिजन में लोअर देन द मोस्ट अदर कंट्रीज। अनदर क्रिटिकल रीजन फॉर द बिग पब्लिक हेल्थ इन इंडिया इज द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दैट गारंटीज ए फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल जरूर है, लेकिन वर्कर्स के लिए 1984 का जो फैसला आया, जजमेंट आया है, लैंडमार्क जजमेंट, बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा गया है कि काम करने वाले के लिए जो ब्रिक क्लीन पे काम कर रहे हैं, ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनका राइट टू हेल्थ भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू हेल्थ की बात की जाए तो अब तक यूनिवर्सल तो नहीं है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली गारंटी ए फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। However, there are multiple references in the constitution to public health and on the role of the state in the provision of health care to citizens. अभी हाल फिलहाल में खूब जोर शोर से बात उठी कि राइट टू हेल्थ, हेल्थ एक्सेसन, हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी एक्सेस पब्लिक तक हो, ये उसका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट में लाइक डीपीएसपी में है। डीपीएसपी का आर्टिकल 39E स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वर्कर का हेल्थ से क्योर करो। आर्टिकल 42 डायरेक्ट करता है कि स्टेट को जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ वगैरह के लिए। तो वर्कर के लिए, लेबर क्लास के लिए राइट टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सबके लिए नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं, तो नहीं है भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तो इतना सारा बवाल जो हमने देखा ये होता ही नहीं। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की। एक आया है लिमिट टू एकोमोडेशन, आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई का नाम आते ही इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और एमपीसी याद आता है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और फाइनेंशियल पॉलिसी कमिटी दोनों दो चीजें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, दूसरा आरबीआई के हाथ में। आरबीआई का जो एमपीसी है यही वो रेट वगैरह डिसाइड करता है। एक नजर डालते हैं एमपीसी पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। यहाँ बेंचमार्क का मतलब है बैंक इंटरेस्ट टाइप से। द मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आर हेल्ड एटलीस्ट 4 times a ईयर, क्वार्टरली होता है जी, हर तीसरे महीने में, एटलीस्ट वंस वाई मंथली, एंड इट पब्लिशेज इट डिसीजंस आफ्टर ईच सच मीटिंग। ये एटलीस्ट है 4 times, साल में 4 times कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा जितना बैठना है बैठ लो, जब कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। कमिटी कंप्राइजेस 6 members, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसे रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 6 members का एक कमिटी होता है, चेयरमैन वही होते हैं जो रिजर्व बैंक के चेयरमैन होते हैं, द ऑफिशियल्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 external members नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे नीड टू ऑब्जर्व ए साइलेंट पीरियड 7 days बिफोर एंड आफ्टर द रेट डिसीजन ऑफ अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए कितना सेक्रेसी है, 7 days तक उनकी बात नहीं होती कहीं भी, नो फोन नथिंग, इससे पहले कि वो रेट डिसाइड करते हैं। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ चेयरपर्सन, आप एक्स ऑफिशियो कह सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वाज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट एमपीसी।
एमपीसी को कब लाया गया फोर्स में, 2016 में लाया गया है। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934, जिससे कि आरबीआई खुद भी बना है। सो ये था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बाकी जो एडिटोरियल में ये लाइन दिख रहा है आपको, लिमिट टू एकोमोडेशन, इसमें यही बात की गई है कि एमपीसी को कैसे एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश करना चाहिए, एक निर्धारण करना चाहिए। डिटेल चाहे तो आप पढ़ लें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, प्रोटेक्टिंग इंडिया नेचुरल लेबोरेटरी। ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। हालांकि दोनों दो चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन। इनफैक्ट ये तीनों तीन चीजें हैं। जब कभी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो एनवायरनमेंट अलग है, बायोडाइवर्सिटी अलग है, क्लाइमेट चेंज अलग है ना। ये तीनों तीन सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन को हमेशा अलग अलग पढ़ा करें। फिलहाल यहाँ पे जिस पे फोकस किया गया है वो है इंडियाज बायोडाइवर्सिटी पे। इंडिया में याद होगा आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था 2002 में, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ पर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में एज पर दिस आर्टिकल। आप भी अपने तरफ से एक बार क्रॉस चेक कर लें। इसमें कुछ खास नहीं है, इनके अपने विचार हैं, आप चाहें तो एक बार पढ़ लें, देख लें क्या ये कहना चाह रहे हैं। बात हम करेंगे आगे क्लाइमेट क्राइसिस की, टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। ये कहीं ना कहीं जो यूएनपीसीसी का आया था, आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आया था, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, सबसे बड़ी बात आपको पता होगा आईपीसीसी का कि ये रिसर्च करती है, ये खुद कोई रिपोर्ट जा करके ये सर्वे नहीं करती, ये रिसर्च करती है। और रिसर्च में जो ये रिसर्च करती है उन सर्वे पे जो दूसरे लोग करते हैं, और उस डाटा को ये पब्लिश करती है, ये थर्ड पार्टी का काम करती है आईपीसीसी। लेकिन इसके रिपोर्ट जब भी आते हैं खूब बवाल मचा के जाता है क्लाइमेट चेंज की दुनिया में। अभी लेटेस्ट इसका 6th रिपोर्ट आया था, कुछ जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर पढ़ लें। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पास्ट डिकेड, 2011-20 की बात हो रही है, ये 1.09 डिग्री सेल्सियस वार्मर था। 1850 से लेकर के 1900 को अगर कंपेयर किया जाए तो 1.09 डिग्री सेल्सियस वार्मर था 2011-2020। एंड द 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड इज लाइकली टू बी ब्रीच सून। ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 वाले में लिया गया था थ्रेशोल्ड, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2050 से पहले ही हो जाएगा। टेंशन ना लो, कुछ नहीं कर सकते हो अगर यही रेट चलता रहा कार्बन को एमिट करने की। तो ये रिपोर्ट है इनका, ये 1.09 डिग्री सेल्सियस कंपेयर वाला इंपॉर्टेंट है। 2011-20 अगर 1850 से 1900 के कंपेयर करें तो उससे 1.09 डिग्री सेल्सियस गर्म था 2011-20 का जो डिकेड था, पिछला 10 साल, लास्ट का 10 ईयर। आगे रिपोर्ट ने इस बात का भी वो लिया है, हेल्प लिया है कि इंडिया का जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री का इंडेक्स मिला है इसको। इंडिया का पोजीशन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7th है, ये भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आप इसमें एक बार देख लें इंडिया का कितना क्या है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंडिया का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इंडिया के इनिशिएटिव हैं, क्योंकि अगले पेज में आपको एक आर्टिकल मिलने वाला है जिसमें यूनाइटेड किंगडम जॉरिस बोनसन हमें समझा रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अपना एनडीसी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाओ। चलिए पहले वही दिखाते हैं आपको और उसी में हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें क्लाइमेट से रिलेटेड। ये देखिए है आर्टिकल, यूके आस्क इंडिया टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। जॉनसन कह रहा है मोदी को कि आप अपना एनडीसी याद होगा आपको, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहलाता है ये एनडीसी। एक नजर डालते हैं इंडिया के एनडीसी पर, फिर हम लौट के आएंगे और वापस बातें करेंगे कौन सही है कौन गलत है और कितनी सलाह सही है। इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ अचीविंग 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030। ये भी इंडिया का एक पार्ट है एनडीसी का। 2030 तक हमारा टारगेट है कि 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल यानी बिना कोयला बिना लकड़ी का होगा, ठीक है, क्लीन होगा, या तो वो सोलर का हो, हाइड्रो का हो, न्यूक्लियर हो, जो भी हो, लेकिन वो क्लीन एनर्जी होगा।
कितना परसेंट? 40%। इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिक पावर का 40%, आज से 9 साल बाद 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। ये इंडिया का एनडीसी है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। एनडीसी का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि हर एक कंट्री को पब्लिश करना होता है जिसने भी पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है या उसका पार्टी है। वन ऑफ द मीन्स टू अचीव द टारगेट इज इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना इंडिया का टारगेट है। एक्चुअली ये आर्टिकल तब का है जब इंडिया ने G20 कंट्रीज में सबसे फ्रंट पोजीशन अचीव किया हुआ है, यानी हम सबसे आगे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के मामले में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टुडे इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज विच इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल्स। इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ इतना गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। एक्चुअली 175 तो बहुत छोटी सी चीज है, इंडिया ने 450 गीगावाट का कर लिया था इस डिकेड, यानी ये जो चल रहा है 2030 तक 450 गीगावाट बाय 2030। ऑफ दिस टारगेट 100 गीगावाट हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया अहेड ऑफ शेड्यूल। 100 गीगावाट ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है, 2022 तक शेड्यूल है, टारगेट है 175 गीगावाट का और 2030 तक है 450 गीगावाट का अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे उन तीन एनडीसी की। इंडिया है 3 क्वांटिफिएबल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन विच इंक्लूड लोअरिंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी बाई 33-35% कंपेयर टू 2005 लेवल बाई 2030। पहला एनडीसी इंडिया का है कि 33-35% हम इमिशन कम करेंगे जीडीपी के हिसाब से 2005 के को कंपेयर करके 2030 तक। 2005 को बेस ईयर मान करके 2030 तक हम 33-35% इमिशन कम कर लेंगे, पहला एनडीसी। दूसरा एनडीसी, इंक्रीज टोटल कम्युलेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्री एनर्जी सोर्सेज टू 40% बाय 2030, जो कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। 40% इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। थर्ड एनडीसी, क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5-3 बिलियन टन थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक, कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? ग्रीन कवर, जहां पे कार्बन को एक्युमुलेट किया जा सके, हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर से क्रिएट करना है। ये तीन इंडिया के एनडीसी हैं। अब इसके बाद भी कोई कंट्री अगर सलाह देता है इंडिया को कि आप अपना एनडीसी बढ़ाइए, तो सोचने वाली बात है। खैर वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वापस लौटते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक आर्टिकल है, मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। ये G20 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है ना, अफगानिस्तान का सिचुएशन मैं एक लाइन में यही कहूंगा, यूएसए लेफ्ट अफगानिस्तान बट अफगानिस्तान विल नॉट लीव यूएसए। अफगानिस्तान को यूएसए छोड़ के चला गया है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं छोड़ पाएगा, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे वाली बात है। तो G20 की जो मीटिंग चल रही है उसमें मोदी जी भी जा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया एक मेंबर है G20 का। G20 से याद आता है कि 2021 में G20 का जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? 2021 का है इटली के पास, 2023 का है इंडिया के पास, 2023 का है, ध्यान रहे 2022 का नहीं है। 2022 का मिला था बट उसे इंडिया ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है, उसने कहा कि हमें 2023 का दे दो, और पीयूष गोयल साहब को उसका शेरपा बनाया गया है। आप देखें यहाँ ये आर्टिकल कवर किया गया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उस टाइम के कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर G20। मेकिंग द अनाउंसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट इंडिया विल होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर 1, 2022 एंड विल कन्वेन द G20 लीडर समिट। ध्यान रहे प्रेसिडेंटशिप मिलेगा दिसंबर 1, 2022 को, ना कि वो सम्मिट को चेयरमैनशिप करेगा। जो 2023 का सम्मिट होगा G20 का, उसका चेयरमैन इंडिया होगा। वंस अगेन रिपीटिंग, 2023 का G20 सम्मिट का चेयरशिप इंडिया के पास होगा। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, अगर कुछ और है हमारे काम का तो।
एक मुद्रा पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, मुंद्रा पोर्ट, पहले भी बताया हूँ आपको, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट सेक्टर का इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, और नेचुरल स्टेट और सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, JNPT। मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोस्ट है, पोर्ट है। कहाँ, ये कच्छ में। ये क्यों आया है, हाईलाइट हुआ है, यहाँ से हेरोइन सीज किया गया था, ड्रग सीज किया गया है, और वो भी सबसे बड़ा ग्रुप अदानी ग्रुप के कंटेनर से। तो आज मेन ये न्यूज आर्टिकल थे, बाकी के न्यूज आर्टिकल वन लाइनर टाइप के हैं। जैसे NGT का नाम आते ही 2010 याद आता है हमें, जब ये एस्टेब्लिश किया गया था, स्वतंत्र कुमार याद आते हैं जिन्होंने NGT को NGT बनाया, किसी की नहीं सुनते थे एनवायरमेंट की बात जब आती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NGT नीड नॉट वेट फॉर गो डॉट टू सेव एनवायरमेंट, गो डॉट। वैसे सुप्रीम कोर्ट क्यों एडवाइस दे रहा है ये अलग चीज है, NGT खुद एक ट्रिब्यूनल है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे डायरेक्शन दे। देखते हैं एक बार क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द नेशनल NGT पोजीशन एज यूनिक फोरम एंडोर्ड विद सीओ मोटो पावर्स टू टेक अप एनवायरमेंटल इशू अक्रॉस द कंट्री। कोर्ट सेड दैट NGT नीड नॉट वेट फॉर द मेटामॉर्फिकल गोडॉट टू नॉक ऑन इट्स पोर्टल टू फ्लेक्स इट्स कंसिडरेबल मसल टू सेव द एनवायरमेंट। एक साइकोलॉजी के टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NGT को जो पावर दिया गया है सीओ मोटो का, उसे इसे यूज करना चाहिए, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट NGT को। NGT खुद एक ट्रिब्यूनल है और जस्ट ये फ्री जस्टिस, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। बाकी आप इसका देख लें अभी कौन इसके चेयरमैन वगैरह हैं। RTI 2005, CIC याद आता है, फिर भाई के सिन्हा याद आते हैं जो CIC के चेयरमैन हैं अभी। तो एक और आर्टिकल है NHRC 1993 में NHRC बनाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक नजर डालते हैं NHRC पर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। और अभी जो इसके चेयरमैन हैं, अभी जो NHRC के चेयरमैन हैं, उनका नाम देखिए क्या है, लेटेस्ट चेयरपर्सन अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये कंडीशन होता है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इसका चेयरपर्सन, ये 8th चेयरपर्सन है। अभी हाल फिलहाल में एक स्टेट ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसने गलत दे दिया था ऑप्शन। अरुण कुमार मिश्रा जी जो 2021 में NHRC के चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम उसमें कहीं था ही नहीं, और पेपर 2021 यानी पिछले साल की है, मतलब पिछले महीने इनफैक्ट पूछा गया था। इससे पहले HL दत्तू थे, वो थे ऑप्शन में, लेकिन ये अरुण कुमार मिश्रा नहीं थे। अभी करेंट चेयरपर्सन अरुण कुमार मिश्रा है। मेंबर देख लेते हैं कितने होते हैं। NHRC कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर, और ये 4 मेंबर आपको याद होगा, SC ST और OBC वाले, 3 तो ऐसे ही आ जाते हैं एक्स ऑफिशियल। चेयरपर्सन या तो चीफ जस्टिस होना चाहिए इंडिया का, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा भाई। ये था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट के बारे में, और आज के न्यूज पेपर में अपने लिए इतना ही आर्टिकल है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और आर्टिकल के साथ, ऐसे ही इन डेप्थ स्टडी करके। हाँ, एक आर्टिकल जो मैंने फर्स्ट पेज में छोड़ दिया था, नोबेल का जो मिला है, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला है, ये 3 नेम याद रखें, डेविड कार्ड मेन है और इनके 2 एसोसिएट हैं, ग्यूडो इम्बेंस एंड जोशुआ एंग्रिस्ट। और अभी तो रटने का कोई फायदा नहीं है, पेपर के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं, ये विंबलडन जीतने वाले, फ्रेंच ओपन जीतने वाले, ये जितने टाइप के प्राइज होते हैं, इनका कोड बना लें आप, तब आपको आसानी से याद रहेगा, खास करके नोबेल में, कि इकोनॉमी वाले में ये कोड है, फिजिक्स में ये कोड है, तब आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये मेरा सक्सेसफुल ट्रिक है, मैं यही ट्रिक अपनाता हूँ और हमेशा ये क्वेश्चन मेरे सही होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।